वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कोर्स के इस तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम दर्शन एवं शिक्षा के मध्य संबंध का अध्ययन करेंगे। शिक्षा एवं दर्शन में गहन संबंध है। जेएस रॉस के शब्दों में, फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर लाइक द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। द वन इज इम्प्लाइड बाय द अदर। द फॉर्मर इज द कंटेम्पलेटिव साइड ऑफ लाइफ, व्हाइल द लेटर इज द एक्टिव साइड। अर्थात दर्शन एवं शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दर्शन प्रकृति से विचारशील चिंतनशील है, जबकि शिक्षा प्रकृति से गतिशील है। आइए इन कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करें कि किस तरीके से दर्शन शिक्षा से संबंधित है। दर्शन शिक्षा के गंतव्य को निर्धारित करता है। जैसा दर्शन होगा उसी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था भी होगी। इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। वैदिक काल में जीवन दर्शन मुक्ति, मोक्ष, धर्म, कर्म कांड इत्यादि पर आधारित था, तो उस समय शिक्षा व्यवस्था में भी वह परिलक्षित होता था। शिक्षा मानव जीवन के आत्मिक विकास पर तथा व्यक्तित्व विकास पर केंद्रित थी। शिक्षा का उद्देश्य मात्र मानव जीवन के मोक्ष पर आधारित था। वर्तमान में अमेरिका जैसे उन्नत राष्ट्र की अगर हम बात करें तो वहां पर प्रयोजनवाद का दर्शन प्रचलित है, तो उनकी शिक्षा व्यवस्था में भी प्रयोजनवाद की झलक दिखलाई पड़ती है। दर्शन शिक्षा के विभिन्न आयामों को भी निर्धारित करता है। विद्यालय वातावरण, पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति, विद्यालय अनुशासन, प्रशासन इत्यादि वह पहलू हैं जिसे दर्शन के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। महान दार्शनिक महान शिक्षाविद भी रहे हैं, उदाहरण के तौर पर प्लेटो, सोक्रेट्स, लॉक, रूसो, फ्रोबल, जॉन डीवी, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, औरबिंदो घोष इत्यादि। ये वे महान दार्शनिक रहे हैं जिन्होंने अपने प्रभावशाली विचारों से समाज को तथा शिक्षा को प्रभावित किया है। शिक्षा दर्शन का गतिशील भाग है। विचारों की कोई सार्थकता नहीं है जब तक उन्हें वास्तव में क्रियान्वित ना किया जाए। शिक्षा दर्शन को साकार रूप प्रदान करती है और दर्शन के सारे उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक होती है। सो इस प्रकार शिक्षा और दर्शन के मध्य एक गहन संबंध है। धन्यवाद।